सर नई हुकूमत के बावजूद हम एक सियासी अदम इस्तेकाम इस वक्त हम देख देख रहे हैं मुल्क में क्या इसका हल है किस तरह के ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल करते हुए अदम इसकाम में कमी लाई जा सकती है जी अदम इसकाम तो नहीं है इसमें एक इसला इस्तेमाल की जाती है अब उसका मुझे नहीं पता कि उसके उसका एग्जैक्ट क्या मफहूम है उसका लेकिन ये है कि अवामी देसी और आ, कुछ लोग एक लफ्स इस्तेमाल करते हैं पिट स्यापा तो ये जो है अगर आप पूछें कि पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सोशल क्या है पोजीशनिंग तो उसका जवाब ही आएगा पिट स्यापा पिट स्यापा पड़ा हुआ है और ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है क्या कर रहा है उसने क्या करना है उस, वो क्यों है ये भी नहीं समझ में आ रहा वो क्यों है वो, वो कहाँ है वो कब से है कब तक होगा मतलब एक पूरा मुल्क जो है वो एक आप समझें कि इस वक्त खिजान में है और ये ज़्यादा से रह नहीं सकता हम भी कल इसे जान छुड़ा के कोशिश करेंगे कि ये जो रीजन में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ वापस जरा पलटें यहाँ तक हमने अपना काम कर दिया जो दबरदूज होना था वो हो गया बाकी वापस आके देखते हैं कि क्या होता है अच्छा पहले तो आप जरा समझे हुकूमत मियां नवाश मियां शबाशीफ साहब की और शबाशी साहब की हुकूमत को हो गया एक हफ्ता और इस एक हफ्ते के दौरान जो है वो उनकी काबीना का ऐलान का नहीं हो सका और इसमें मियाँ नवाज साहब ने अपनी वतन वापसी में ताखिर कर दी है खबर वही कह रहे हैं कि जब तक हालात साजगार नहीं होते वो मुल्क शायद वापस नहीं आए फौरी तौर पर कुछ डिले कर दें इधरसा यानी ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब में वो ईद वगैरह गुजारते हैं आखिरी अशोर तो वहाँ चले जाएँ पहले वतन वापसी जरा थोड़ा सा थोड़ी सी डिले हो गई है फौरी तौर पर नहीं हो रही शबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी काबीना का फैसला नहीं हो रहा और ये जो ये जहन में रहे कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना रहमान का कहना ये था कि असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शंस करवाए जाएँ ये फार्मूला था जरदारी साहब का कि नई असम्बली के अंदर से ही तब्दीली लाई जाए और वो उनका फार्मूला जो था वो इस्टब्लिशमेंट ने वाल बाय कर लिया और फिर वही चला बाहर की स्टेबलिशमेंट अंदर की जो भी है वो सारा बाय करके तो ये एक पार्लिमानी अंदाज में एक अदम अतमाद सो कॉल्ड आई अब इसको बेचना जो है इसको लोगों को समझाना भाई आपने एक चीज़ तो कर ली ना हो गई लेकिन लोगों को समझाना कि ये मुकम्मल तौर पर इखलाकी आइनी सियासी कानूनी अंदाज में ये सारा काम हुआ है अब होता कोई किसी चीज़ की आप मार्केटिंग करते हैं मतलब ये हुकूमत है तो इसकी आप मार्केटिंग करते हैं कि ये हुकूमत इसलिए बनी ये ये सेटअप ऐसे बना उसकी मार्केटिंग होती है तो इस सेटअप की मार्केटिंग करना ये जो जो कुछ हो रहा है मुल्क में इसकी मार्केटिंग करना कि ये खुद खुद बखुद कुदरती तौर पर हुआ है और ये अपने आप हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब इससे ज्यादा आसान ये है कि कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल पे जाके जी। मैं आइसक्रीम बेचूं और वहाँ पे लोगों से कहूँ कि ये जो है ना ये आइसक्रीम खाओ और मैं वहाँ पे आइसक्रीम फरोख्त करूँ और लोग जो हैं वो मुझसे मुतासर हो जाएं और मुझसे वो आइसक्रीम जो है वो ले ये मुझे कहेंडी पेपर दीजिएगा जी तो वो आइसक्रीम खाना शुरू कर दें लोग नॉर्थ पोल पर ये वो ज़्यादा आसान है वो बेचना ज़्यादा आसान है इस चूरन को बेचने से ये खुद बखुद हुआ है या ये है कि मैं वो आ, वो अफ्रीका के किसी सहरा में चला जाऊँ और वहाँ जाके लोगों को जो बेचारे जिनको पानी नहीं मिल रहा और जो बिल्कुल रेत है और ऊंटों पे सफर कर रहे हैं और मैं उन्हें उबले हुए अंडे कहूँ कि ये आप खाएँ ठीक है और साथ उसके जो है ना वो गरम-गरम बहुत गरम वार्म नहीं हॉट कॉफी पिए वो शायद ज़्यादा आसान होगा इसको बेचने से इस पूरे के पूरे ये क्या है ये कैसे हुआ क्या हुआ कब हुआ कैसे बना क्या हो गया जिसको कोशिश की जा रही है बताने की कि ये अपने आप हो गए सबसे ज़्यादा मसला है शहबाज शरीफ साहब के लिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी गवर्नेंस यानी वो अलग सुबह उठ रहे हैं रोज़ और वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट का जो रुका हुआ काम है जो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं जो बेकार पता नहीं पैसा खाया गया कितने अरब रुपया क्या है जो भी कुछ है वो उसकी तरफ निकलते हैं सुबह सुबह उठ के लेकिन दो तीन घंटे के बाद कुछ ऐसे वाकत होते हैं कि वो उनकी उस सुबह की कारकर्दगी पे हावी आ जाते हैं और मुझे लगता है कि वो दोपहर को फिर वो रोजे में भी यकीन रोजा रखते होंगे या तो वो फिर वो सारे उनकी जो कारदगी है वो हो गई हो जाती है ठुस बुखारत के उड़ जाती है और उनको जो उनको जो इस फार्मूले पे अब जो कायल कर रहे हैं यानी उनको उनको जिससे क्योंकि ये जो काबीना बननी है और ये जो पार्लियामेंट के अंदर से ही जो मुख्तलिफ हीरे बात तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं बा जो हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हीरे जवाहरात मौजूद हैं माशाल्लाह तो अब वो काबीना ही नहीं बन पा रही अब काबीना नहीं बन पा रही तो ही नहीं है क्योंकि हुकूमत का मतलब होता है वजीर आजम और काबीना काबीना तो सिर्फ वजीर आजम है लेकिन हकूमत नहीं है अच्छा अब वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया तो वफाकी हुकूमत तो है ही नहीं ठीक है हकूमत तो वजीर आजम और काबीना है अब इसका पता नहीं क्या इसमें आई नहीं मैंने आपसे कहना पिट स्यापा पड़ा हुआ हर तरफ तो वो जो है अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब वो भी तरह थोड़ा सा पीछे हटें आपने देखा होगा इन दिनों में उससे पहले उनका वो जुमला था बड़ा जबरदस्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका एक कमाल का जुमला था उन्होंने कहा खजाएँ भेजना हमारा मकसद है बहारें इसके बाद आए ना आए वो बात की बात है तो खजाएँ तो भेज दी उन्होंने यानी इमरान खान साहब अब वो बहारें जो हैं वो कहीं अटक गई हैं बीच में जब वो बाहरें आनी नहीं ना कोई वजीर बन पा रहा है ना कोई कैबिनेट है मेरा ख्याल है कि कल या परसों तक इनको एक कैबिनेट अनाउंस कर देनी चाहिए और गालिबन कर देंगे वरना पूरा का पूरा धड़म से ये जो पेट से आ पाए ये गिरेगा और और इस कदर मैं जब तो इस सिस्टम जाएगा ना तो अपने आप को जलील करता हुआ तो अपने आप को लानत भेजता हुआ जाएगा ये जो कुछ हो रहा है ना ये और इसके ऊपर इमरान खान साहब ठीक हैं गलत हैं जो इमरान साहब इमरान खान साहब ने इनको सबको दबरदूस कर दी है वो बयानिया उनका जो है ना कि भाई मुझे ये बताओ कि अदालतें रात को बारह बजे कैसे खुली मुझे ये बताएं कि अदालतें दस बजे कैसे खुली तो अब उन्होंने थोड़ा सा यानी अब इसका जवाब किसके पास है किसी के पास नहीं है इस्टैब्लिशमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही है इस हुकूमत से बस इतना ही हुकूमत नहीं ये जो पिट से आपा इससे हकूमत कहाँ से अभी तो वजीर आजम है बेचारे शबाशी साहब सुबह सुबह उठते हैं ये मैंने आज पूछा सेक्रेटेरियट में मैंने काम हम हो रहा है कहते हैं कौन सा काम ये तो महीने से तो पता ही नहीं हमें फाइलें पड़ी हुई हैं कौन वजीर होगा कौन नहीं होगा ये होगा वो होगा सर पैर है नहीं जो काम करने वाले लोग हैं इसमें तो वो भी तो हैं ना जो डूअर्स हैं इस पूरी जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में कुछ डूअर्स काम करने वाले लोग भी तो हैं ना अब वो काम करने वाले लोग भी सोच रहे हैं कि यार एक मिनट हट जाओ ये बजट सर पे खड़ा है तो ये बजट कैसे उसमें सब्सिडीज वापस करनी है इस वक्त नहीं करनी इस वक्त आवाम को एकदम से उनके सर पे बोझ आ जाएगा क्या होगा क्या फंसा हुआ है मामला कॉल इन हुआ नहीं अभी तक